हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका आपके अपने चैनल हरियाणा MRI हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रेन का कॉन्ट्रास्ट कैसे करते हैं, कॉन्ट्रास्ट स्टडी कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ कॉन्ट्रास्ट ही करके दिखाऊंगा ब्रेन का आपको। ये देखो, सबसे पहले मैं EXL T1 ले रहा हूँ। EXL T1 स्कैनोग्राम उठा लिया मैंने डाटाबेस में जाके स्कैनोग्राम उठा के, और ये मैं इसकी प्लानिंग कर देता हूँ। प्लानिंग करने के बाद मैं ये भी बताऊँगा कि आपको मैन्युअली कॉन्ट्रास्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ऑप्शन स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पे अपने आप ही हर इमेज पे ऑटोमेटिक ही कॉन्ट्रास्ट का मतलब सी लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, मैंने स्टार्ट कर दिया था। ये देखो, मैंने यहाँ पे डायनेमिक में जाके कॉन्ट्रास्ट एजेंट को कॉन्ट्रास्ट लिख दिया है। इसमें सॉफ्टवेयर में वॉल्यूम भी पूछ रहा है, तो वॉल्यूम डाल दो या कोई ज़रूरत नहीं, वॉल्यूम का कोई चक्कर नहीं। इसमें वॉल्यूम नहीं आएगी, कहीं पे भी शो ऑफ नहीं होगी वॉल्यूम। देखो, ये डायनेमिक है। डायनेमिक में के कॉन्ट्रास्ट एजेंट का ऑप्शन है। कॉन्ट्रास्ट एजेंट के ऑप्शन पे हम अदर पे जाएंगे, तो अदर पे जाएंगे तो वहाँ पे नाम मांगेगा आप क्या लिखना चाहते हो। वहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट लिख देता हूँ, और ऑन करते ही हर इमेज पे सी लिखा आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, मैं कॉन्ट्रास्ट ये ओमनी स्कैन का यूज़ करता हूँ। अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी आती है इसकी कॉन्ट्रास्ट की। लेकिन ये पेशेंट था जो नॉर्मल पेशेंट था, लेकिन डॉक्टर ने अपने लिख रखा था सीई ब्रेन, तो मैंने इसलिए इसको ब्रेन करना पड़ा। लेकिन ब्रेन इसका नॉर्मल ही था, नॉर्मल स्टडी थी, लेकिन डॉक्टर ने लिख रखा था तो हमने करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखो अपनी इमेज आ गई, ये एक्सेल का कॉन्ट्रास्ट आ गया। देखो कितना अच्छा आया हुआ है कॉन्ट्रास्ट। लेकिन कॉन्ट्रास्ट उसी टाइम अच्छा दिखता और भी जब इसको कोई फाइंडिंग होती, तो अब फाइंडिंग नहीं है तो नॉर्मल है तो कुछ इतना दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो देखिए कॉन्ट्रास्ट मैंने यहाँ से डायनेमिक से शो कर रखा है। देखिए सी दिखा रहा हूँ मैं एरो के निशान के पास, जो सी है ना, ये स्टार्ट करने से ही कॉन्ट्रास्ट आ गया। देखो ये बेसिक में, ये मैंने साइज पे, अब इसकी साइज की प्लानिंग करते हैं। साइज T1 की, इसमें कॉन्ट्रास्ट में सिर्फ T1 ही लेते हैं। EXL T1, 4T1 और साइज T1, यानी कि तीनों के T1 ही लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। देखो पहले मैंने EXL T1 उठा लिया, और उसके बाद स्कैन उठा लिया, और इसकी प्लानिंग अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा FOV बढ़ा देते हैं। FOV कम था इसका, FOV बढ़ा दिया मैंने थोड़ा सा, और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा FOV। कटना नहीं चाहिए, ये कट रहा था तो अपना कटना नहीं चाहिए इमेज। ठीक है, तो इसका इंटरवल वगैरह जो कम ज़्यादा करना है अपने हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से कम ज्यादा कर देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अपना सहज हो गया। सहज को मैंने देखो एक्सेल था, ये एक्सेल की सीक्वेंस को ही मैंने सहज में चेंज कर लिया है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अब आपने देख भी लिया होगा मैंने कहाँ से चेंज किया है। तो मैं एक बार आपको 2D लगा के भी दिखा दूंगा कि 2D लगाने के बाद कैसा ये अपनी 2D हो गई। देखो सॉरी, कॉर्नल की 2D लगी हुई है। ठीक है, कॉर्नल T1 की इमेज है अपनी। कॉन्ट्रास्ट देखो, वाइट वाइट जो अच्छा सा चमक रहा है कॉन्ट्रास्ट अपना। पैथोलॉजी होती तो इसके अंदर तो अपना कॉन्ट्रास्ट और भी अच्छा दिखता। ठीक है, ये फिल्म टूल देखो, मैंने एक ही फिल्म में टोटल कर दिया। देखो पहले वाले एक्जेल चार की सीक्वेंस लेके, पहले में नॉन नॉन डाल के, और दो लास्ट वाले साइड वाले बचते हैं उसमें 16 16 की डाल देंगे, 16 कॉर्नल की डाल देंगे, 16 इमेज सेजाइटल की डाल देंगे, तो ऐसी अपनी हो जाएगी। देखो सी दिख रहा है, तो आपको ये अपना क्या है जो हमने वहाँ पे जाके कॉन्ट्रास्ट एजेंट स्टार्ट किया है, ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट की वजह से सी लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि अपने को मैनुअल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट स्टडी की है इसमें, क्योंकि हमने फिल्म में दिखाना होता है कि कॉन्ट्रास्ट की फिल्म है या नहीं है। ये साइज चल रहा अपना, साइज यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं, साइज कॉर्नल या एक्सेल जो भी चेंज करना है वहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखो अपनी साइज T1 की इमेज आ गई, ये अपनी साइज T1 है, ये साइज T1 की इमेज। इसको भी मैं 2D लगा के दिखा देता हूँ। देखो ये ऊपर भी CONT लिखा हुआ आ रहा है सभी में, तो ये कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं। इसको थोड़े जूम वगैरह कर देता हूँ मैं,
और 16 के फॉर्मेट में करने के बाद उसको फिल्म फॉर्मेट में डाल दूंगा। ठीक है, फिल्म फॉर्मेट 4 का लिया हुआ है, लेकिन व्यूइंग बॉक्स है जो अपना 16 का लेंगे। इसमें फाइंडिंग देख लेना, एक एक इमेज छोड़ देना लास्ट की, एक पहली फाइंडिंग। अगर लास्ट वाली में तो ऐसे मत करना कि लास्ट की छोड़ दो या फर्स्ट की में फर्स्ट की छोड़ दो, तो ऐसे इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद डिलीट कर देंगे और डन कर देंगे। तो ये हमारी कॉन्ट्रास्ट स्टडी हो गई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बाद।